दोस्तों हम सब की चाहत होती है हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर गोरे खूबसूरत हो, हमारी त्वचा में कोई भी किसी भी तरह का दाग धब्बा ना हो, हमारे चेहरे पर मुहासे, एक्ने या फोड़े फुंसी के कोई भी निशान ना हो। तो यदि आपकी भी ऐसी चाहत है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छी ग्लोइंग स्किन होगी, आपके त्वचा के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ इस रेमेडी के लिए दही। अच्छा गाढ़ा दही लिया है मैंने दोस्तों। दही जो होता है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, हमारी इतनी ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा ये हमारे स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद है। 2 बड़ा चम्मच दही लिया, अच्छी तरह से फेंट लिया, एकदम एक जैसा चिकना सा कर लिया है। दही में प्रोटीन होता है, दही में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं प्रोटीन के साथ ही साथ दही में। हमारी त्वचा को नरिश करता है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी त्वचा के सूखेपन को भी दूर करता है दही का पैक। दूसरी चीज़ जो कि इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेसन। बेसन जो होता है ना दोस्तों, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करता है। बेसन का पैक सभी एज ग्रुप वाले लगा सकते हैं, चाहे कम उम्र के हों, चाहे ज़्यादा उम्र की महिलाएं हों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी की चाहत होती है कि उनका चेहरा, उनके हाथ पैर, उनका शरीर खूबसूरत हो, और ये चाहत ज़रूर होना चाहिए। हमें अपने आप को मेंटेन ज़रूर करना चाहिए। तो 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अब इस बेसन में आपको डालना है चुटकी भर हल्दी। हल्दी जो होती है इसका इस्तेमाल पुराने समय से ही रंग को गोरा करने के लिए, रंग को निखारने के लिए किया आता जा रहा है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। यदि हमारे शरीर की त्वचा में कहीं भी कट लगा है, फोड़ा फुंसी है, तो उसे भी ठीक करती है। चेहरे पर जब इस पैक को लगाएंगे, मान लीजिए चेहरे पर मुहासे हैं, मुहासों से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को कील करती है हल्दी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ जो हल्दी होती है दोस्तों, ये हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए तो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ किचन की ही हल्दी का इस्तेमाल किया है ताकि आप सब लोग इसे ले सकें। कुछ बूंदें लेमन जूस की ज़रूर डालें। नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इंस्टेंट ग्लो लाता है हमारे स्किन पर। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ हमारी त्वचा पर जो ये ब्लीच का काम करता है ना, हम लोग ब्यूटी पार्लर जाकर कितना केमिकल वाला ब्लीच कराते हैं रंग को गोरा करने के लिए, क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक तरीके से रंग को निखारें, जो कि लेमन जूस निखारेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ बूंदे, आधा चम्मच के करीब मैंने लेमन जूस डाला है, दही लिया है और बेसन हल्दी। अब बेसन को धीरे धीरे आपको इस दही में मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन के जो बारीक बारीक से कण होते हैं ना दोस्तों, ये हमारी त्वचा पर एक स्क्रब की तरह काम करते हैं, हमारे स्किन में से डेड सेल को रिमूव करते हैं, हमारी त्वचा में से मृत कोशिकाओं को अलग करता है बेसन का पैक। और जब डेड सेल रिमूव होते हैं तो हमारी त्वचा पर बहुत अच्छा निखार आता है, हमारी त्वचा पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो इस तरह से बेसन, दही, हल्दी, नींबू का रस, इनको मिला लिया है, और ये एक ऐसा बॉडी पैक है जिसे आप अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, अपनी गर्दन पर लगाएं, आप अपने हाथ पैरों पर लगाएं। कम से कम 15 मिनट लगा कर रखेंगे ना दोस्तों, तो ही आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 15 मिनट के बाद आपको इसे रिमूव करना है। इस पैक को थोड़ा सा आप अपने हाथ पैर गर्दन पर लगा कर रखें, आपको खुद को लगेगा जब ये हल्का सा सूखने लगे उसके बाद ही आप रिमूव करें, ताकि आपको इसका और भी अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी दोस्तों, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलेगा वो ये है कि जब इस पैक को आप उतारेंगे ना 15 मिनट बाद, थोड़ा सा मसाज करते हुए, थोड़ा सा रगड़ते हुए निकालें, इससे आपके हाथ पैरों में जो छोटे छोटे से रोए होंगे, जो छोटे छोटे से बाल होंगे ना, वो सारे के सारे बाल भी निकल जाएंगे। ये इतना फ़ायदेमंद है। तो मैं भी इस तरह से इसे आपको अपने हाथों पर लगाकर दिखा रही हूँ। आपको इस पैक को पूरे चेहरे, गर्दन, हाथ पैरों पर लगाना है, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, ये देखें,
इस तरह से लगाना है। जो होम रेमेडीज़ होती हैं 100% वर्क करती हैं, इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बेसन जो होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर सभी तरह के स्किन वालों को सूट करता है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन यदि सेंसिटिव है, तब भी आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सेफ रेमेडी है। लेमन जूस सूट नहीं करता, तो आप कम डालें या लेमन जूस को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दही डाला है। परंतु अगर इंस्टेंट गोरापन चाहिए तो कुछ बूंदे नींबू के रस की ज़रूर डालें। जब 15 मिनट हो जाएंगे, आप देख रहे हैं अभी ये पैक में हल्की सी नमी है, अभी पूरा 15 मिनट नहीं हुआ है, परंतु आपको तो 10-12 मिनट से ऊपर ही रखना है। मैं इसे आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। हल्का सा जब ये सूखने लगे, ड्राई नहीं करना है आपको, इसे मसाज करते हुए निकालना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और साथ ही साथ दोस्तों इतने देर में दही का सारा पोषक तत्व हमारे स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और उसके बाद आप इसे निकालें। आपके स्किन में चमक आएगी, सारे डेड सेल रिमूव होंगे, आपके त्वचा की सारी टैनिंग दूर होगी, त्वचा का कालापन दूर होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपके अनचाहे बाल भी रिमूव होंगे। इसे ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।